कसरावद की पीपलगोन बीडिया मार्ग जो कि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर से एनटीपीसी के सेल्दा प्लांट के बलगर वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जो कि 80 से 90 टन की भारी वाहन है, जबकि मार्ग की क्षमता 8 से 10 टन की है, जो कि नियम विरुद्ध चल रहे हैं। ये मार्ग पीडब्ल्यूडी के अधीन है। मार्ग की स्थिति काफी अधिक चिंताजनक है, यहाँ रोज ही दुर्घटनाएं हो रही है। पीपलगोन से कसरावद पहुँचने में 1 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ता है व्यापारिक मार्ग है, जिसमें बेड़िया मिर्च मंडी एशिया की दूसरी मिर्ची मंडी है। पीपलगोन बाजार में नर्मदा तट पर सियाराम बाबा का आश्रम, जो कि भक्तों के लिए केंद्र बिंदु है, जिसमें कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, तथा यह रोड नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी है। शासन प्रशासन का आना जाना लगा रहता है, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्र की जनता 20 अगस्त को अमलाथा फाटे पर 11 बजे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन कसरावद पीपलगोन जो मार्ग है उसके संबंध में दिया है। इसके लिए जो हालत उसकी दयनीय है, उसके लिए पूरे क्षेत्रवासी 20 तारीख को 11 बजे अमलाथा फाटे पे जो बलगर जो चलते हैं, जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि रोड 8 से 10 टन का पासिंग का है और 80 टन तक के उसमें वाहन चल रहे हैं, जो नियम विरुद्ध जो शासन की देखरेख में ही चल रहे हैं, तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो प्रशासन का ध्यान खिंचवाने के लिए वो क्षेत्रवासी परेशान है। आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं, वहाँ पर जनहानि हो रही है, धनहानि हो रही है, और लोगों का जो रोड किनारे हैं उनको धूल मिट्टी कीचड़ से परेशान है। इसलिए लोगों की क्षेत्रीय समस्या को देखते हुए 20 तारीख को वहाँ पे चक्का जाम का आह्वान किया है सब क्षेत्रवासियों ने मिलकर। अगर इसका मरम्मत रोड की नहीं करते हैं? नहीं, रोड की मरम्मत तो करना ही है, क्योंकि वो शासन का प्रशासन का वो अधिकार क्षेत्र भी है और प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। चूँकि रोड शासन ने 52 करोड़ रुपये सेंक्शन भी हुए हैं, लेकिन अभी जो जब टेंडर लगेंगे और प्रक्रिया एक लंबी है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके रोकने के लिए उसकी मरम्मत करना पड़ेगी और कम से कम उसको चलने लायक बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस रोड से कौन कौन से पर्यटक स्थल जुड़े हुए? इस रोड से बाजीराव जी पेशवा जी की समाधि जुड़ी हुई है, जिसे महाराष्ट्र और प्रदेश के दूसरे राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। इस रोड पर एशिया की दूसरी जो सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है, बेड़िया है, एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद सियाराम बाबा आश्रम भट्टियान, और ये जो रोड है इसे ओंकारेश्वर के भी जो महाराष्ट्र और जो दक्षिण भारत के जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो इसी रोड से जाते हैं। और उसके अलावा ये नर्मदा का परिक्रमा पथ है, इस पर सारे राज्यों के वाहन जा रहे हैं। इसे शासन की, सरकार की और शासन दोनों की छवि धूमिल हो रही है। कसरावद तहसील से अब्राय पठान की रिपोर्ट।